ऑफिशियल डिग्नेटरीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, द वर्कर्स फ्रॉम चाइना एंड माई फ्रेंड्स, सबको अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग्स. इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू बी हियर एट द इनॉग्रेशन ऑफ सर्विस लॉन्ग मार्च कंपनी इन कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, एंड इट सीमेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन आर टू ब्रदरली कंट्रीज, एंड वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ कॉलिंग इट अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप, higher than the mountains and deeper than the oceans. There has been, with changing times, there are different perspectives to what the world trade would look like in the future. I must welcome all of you. I must thank the Chinese company as well as the management and the Service Pakistan for doing a fantastic project. And I believe the translation facility would now also be able to include my Urdu version of a number of things which I want to address. So, Janab Ali, मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से जो दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स वेलकम कर रहा है और अपनी तैयारी कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन के एतबार से और तरक्की के हवाले से. जब मैं नेशनल असम्बली में 2013 से 18 तक था तो कई एक डॉक्यूमेंट्स ऐसे मैंने देखे जिसमें सबसे अमंग द थिंग्स विच वर बीइंग स्मगल्ड इनटू पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा स्मगलिंग जो थी वो टायर्स की थी. तो मैं सबसे ये कहता था कि भाई अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, स्मगलिंग का काम कम भी हो और ज़ाहिर है पॉलिसीज ऐसी बनाओ कि स्मगलिंग नहीं हो, क्योंकि इतने लंबे बॉर्डर्स को बाकायदा स्मगलिंग के हवाले से रोकथाम करना कभी कभी मुश्किल होता है. और पिछले दिनों आपने यूरिया के अंदर भी देखा कि जब दुनिया की कीमतें बढ़ गईं तो हमारे यहाँ जो सरप्लस था, जो हम एक्सपोर्ट करने के लिए अखबार में इश्तहारात दे रहे थे, वो अचानक शॉर्ट हो गया. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग तैयार थे, होल्ड करके उन्होंने बाहर माल भेज दिया. अब जब आप खुद टायर बनाने लगेंगे और इतने बड़े पैमाने पर, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने बस और ट्रक रेडियल टायर्स टेक्नोलॉजी के अंदर खुद कफील भी हो जाएगा. मगर उसके अलावा भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी डाइवर्सिफिकेशन बढ़ती चली जाए. मैं ये समझता हूं कि जितनी तेज़ी से आपने इस फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया, ये चाइना के अंदर ख़ास तौर पर हमने देखा कि कोविड का मुकाबला करने की भी जब ज़रूरत हुई तो एक एक हफ्ते में 5,000 बेड के अस्पताल और कैंप्स उन्होंने तामीर किए. और पाकिस्तान के अंदर भी जितने इनके वेंचर्स हैं, एक वेंचर लाहौर में है जो 6 महीने में या 8 महीने में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने सेटअप किया, विच इज़ अनयूजुअल. हमको भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जब आपने इन्वेस्टमेंट बुक कर लिया और तो इन्वेस्टमेंट को जितनी जल्दी आप ज़मीन पर उसको ले आएंगे, उतनी जल्दी आपका रिटर्न शुरू होगा. अगर यही चीज़ 2-3 साल में बनाएं तो उसके मुकाबले पर कम से कम आपको 1.5 साल या 2 साल का एडवांटेज ये मिल गया कि आप प्रोडक्शन में आ गए. तो दैट इज़ गोल्ड बाय इटसेल्फ. तो ये जो फास्ट ट्रैक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन और उसकी नो हाउ और मीनवाइल ट्रेनिंग करें अपने वर्कर्स के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो सीखी जा सकती है. जो आखिरी ट्रिप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का हुआ था, तो उसकी जो कोऑपरेटिव एक विन विन सिचुएशन का मशवरा पाकिस्तान से चाइना को दिया गया, उसके अंदर 5 चीज़ें तो ट्रेडिशनल थी. और वो ट्रेडिशनल चीज़ें क्या थी कि टेक्सटाइल्स के अंदर हम ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर इस बात की जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनती जा रही है, जिसमें इस बात का इम्कान है कि सैंक्शंस के हवाले से या डिस्करेजमेंट के हवाले से आइसोलेट करने की कोशिश की जाए कुछ रीजन्स को, जिसमें चाइना भी शामिल है, तो इस बात का चाइना के अंदर भी ये ख्वाहिश बढ़ी है कि जी डाइवर्सिफाई करें वो भी. एक दूसरे ये कि लेबर, जब कंट्री मुल्क तरक्की करने लगता है या तरक्की याफ्ता ममालिक मुल्क बन जाता है तो उसकी लेबर महंगी हो जाती है. तो इस वक्त पाकिस्तान और चाइना की जो लेबर कॉस्ट है उसके अंदर भी पाकिस्तान इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लेबर कॉस्ट ऑफ चाइना. दूसरी बात. तीसरी बात ये कि चाइना भी चाहता है कि डाइवर्सिफाई हो और उसी पॉपुलेशन के अलावा उन पॉपुलेशंस में वर्कर फोर्स को मोबिलाइज करे, बजाय लेबर को इम्पोर्ट कर अपने आप बनाए, जो जापान मिसाल के तौर पर भी एक मिसाल है
के बजाय कि वो लेबर इंपोर्ट करके वहाँ करें, उनका इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पर है। तो उसी तरह से चाइना भी अपना इन्वेस्टमेंट करके जितना इन्वेस्टमेंट उतने प्रॉफिट्स बनाने के एतबार से अपने मुल्क के बाहर भी पोटेंशियल यूटिलाइज करें। तो लिहाजा टेक्सटाइल एक ट्रेडिशनल हमारा एरिया है जिसको हम जिसकी एक्सपर्टीज के एतबार से हम बड़ी हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई है। दूसरी चीज़ जो चाइना के साथ गुफ्तगू हुई जो प्राइम मिनिस्टर के सजेशन बुक के अंदर शामिल थी जिसके अंदर मैंने कुछ काम किया वो था आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर की यहाँ गुफ्तगू बिलाव मामले से मौजू से हट जाएगा मगर उसमें भी बेइंतहा पोटेंशियल है और इंसानी जहन का पोटेंशियल ज़्यादा है जो हमारे यहाँ यूथ बल्ज है उस हवाले से भी। तीसरा था ऑटो, पाकिस्तान के अंदर ऑटो इंडस्ट्री में जिसने भी इन्वेस्ट किया वो मुनाफा बख्श रही है, बहुत कम कोई कैसी कैफियत मुझे याद नहीं आती कि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर कोई सेटबैक हुआ हो। तो जो बैरूनी ममालिक की कंपनीज़ को पिछले 40, 50, 60 साल में ऑटो सेक्टर के अंदर बग़ैर किसी मुश्किलात के मुनाफा बख्श कैफियत रही है, तो वो भी एक एरिया ऐसा था जिसके अंदर चाइना और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन बढ़ सकती है, ट्राइड एंड टेस्टेड ग्राउंड है। चौथा था एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अंदर भी हम समझते हैं कि चाइना के साथ तआवुन बेइंतहा अच्छा, उनकी पर एकर यील्ड बहुत अच्छी, उनकी वाटर यूटिलाइजेशन कैपेबिलिटीज़ अच्छी, उनका सीड के एतबार से मामलात अच्छे, और पाकिस्तान के पास ज़मीन और पाकिस्तान के पास पानी मगर एफिशिएंटली हम यूज़ नहीं कर रहे। ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान से 20 गुना छोटे हैं और पाकिस्तान से प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो पाकिस्तान के अंदर इसका पोटेंशियल बेइंतहा है। तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट फॉर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन दैट सेक्टर। तीसरा फार्मास्यूटिकल था कि हम अपने रॉ मटेरियल्स खुद बनाएं बजाय इसके के सारे हम इम्पोर्ट करें। मगर दो चीज़ें जिसकी वजह से मैं सारी गुफ्तगू कर रहा हूँ वो अनोखी सी थी। जब ये 5 सेक्टर्स की गुफ्तगू हो चुकी तो फिर जो फाइनल किताब बनी उसमें 2 अच्छे और एडिशन्स हुए, जिसमें से एक का ताल्लुक सर्विस से है और एक का ताल्लुक फर्नीचर इंडस्ट्री से है। तो जिसका ताल्लुक सर्विस से है वो ये था कि शू मेकिंग के अंदर कोलैबोरेशन हो। तो कीप योर आइज़ ओपन, आप ऑलरेडी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बट प्राइम मिनिस्टर की हमारी जो विन विन बुक थी उसके अंदर शू मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी फर्दर कोलैबोरेशंस का इम्कान है, और पाकिस्तान की इस सिलसिले में अपना एक्सपीरियंस है और उसमें काम किया जा सकता है। मैं दूसरी बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अंदाज से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर तरक्की भी की, वो तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी रैंकिंग्स पिछले 2 साल से रोक दी, वरना हम ये उम्मीद करते थे कि हम शायद 130 से 108 पर आ गए थे, अब 15-20 लेवल्स हम बढ़ते। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान की बहुत बेहतर हो गई। सिर्फ यही नहीं कि बाहर के लोगों के लिए हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आईटी सेक्टर के अंदर आई हैव अ मंथली मीटिंग, रज़ा बाकर साहब भी और असफर अहसन साहब भी उसमें शरीक होते हैं विद आईटी सिलिकॉन वैली कंपनीज़ पाकिस्तानी इज़ देयर, और हर हफ्ते हम मीट करते हैं मिनिस्टर्स के साथ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ और एम्बेसडर के साथ, ताकि ट्रबल शूटिंग हो कि कहीं कोई रुकावट ना आए। तो एक हुकूमत जो इसमें इंटरेस्टेड है और पाकिस्तान को अब अंदाज़ा हो गया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं, अंदर पाकिस्तान के अंदर भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जिस तरह से इम्कान बढ़ाया जाए, तो हुकूमत का काम ही यही है कि आप लोग एंटरप्रेन्योर्स, आप लोग जो काम करते हैं, आप लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके लिए रास्ते खोलता चला जाए। हुकूमत का यही काम है। हुकूमत खुद इन्वेस्टमेंट्स कम करती है मगर ज़्यादातर इस बात का 99% इस बात की कोशिश करती है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हर एतबार से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रज़ा बाकर साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इसके अंदर बहुत काम किया। यू बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू हैंडल इश्यूज इवन इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज, कि उसकी मूवमेंट आसान की जाए, रोशन डिजिटल अकाउंट के लोग यहाँ पर अकाउंट्स खोल सकें, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने कंपनीज़ को जल्दी
कंपनी खोलने के एतबार से जहाँ महीनों लगते थे, अब इनका क्लेम ये है कि एक दो दिन के अंदर कंपनी खुल जाती है। वही डॉक्यूमेंट्स हर जगह भेज दिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 जगह या 25-30 जगह ये काम करें। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसका फ़ायदा ये सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स वालों ने मिलकर उठाया कि यू कैन डिक्लेयर विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट के स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर 10 साल की छूट मिले। और इत्तेफाक ऐसा है कि यहाँ करीब में बकाई कॉलेज है और अस्पताल हैं और सब कुछ हैं। तो मुझे आज तक याद है कि जब मैं वहाँ गया तो उमर सही साहब मेरे पास बैठकर ये बातें कर रहे थे कि सारी चीज़ें किस तरह से इस कंपनी के यहाँ पर चलने में सितारे मिले। तो वो एक साहब थे, यहाँ के सिंध के गवर्नर भी थे, मरहूम फखरुद्दीन इब्राहिम साहब। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही अपनी तकरीर के अंदर, बाद में मेरे दोस्त भी बने। अपनी तकरीर के अंदर उन्होंने कहा कि जी मेरे पास कोई हुनर नहीं है, आई डिड नॉट हैव अ स्पेशल स्किल सेट, आई वॉज जस्ट एजुकेटेड, मगर आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो ज़िंदगी में लोग कभी कभी बहुत सारा क्रेडिट सिर्फ अपना ही ले लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला भी वो कैफियत पैदा करता है कि जिसमें रिश्ते भी बनते हैं, फैमिलीज़ भी बनती हैं, और जिसके अंदर इकोनॉमिक रिश्ते भी बनते हैं। और इन्होंने ज़िक्र किया कि टर्फ फाइनेंसिंग के फायदे से फ़ायदा हुआ, ज़िक्र किया मौजूदा हालात की कैफियत बड़ी अच्छी हैं कि चाइना भी बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ऑल ऑफ दिस केम टुगेदर। अब मैं आपसे कुछ आपकी जिम्मेदारियों के हवाले से भी गुफ्तगू करूँ। मैं चाइनीज़ वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये यहाँ आते हैं हमारे दोस्त मुल्क से, एंड आई होप यू हैव अ वेरी कम्फर्टेबल लाइफ, यू फाइंड इट कि पाकिस्तान आपको इसी तरह से वेलकम करता है जैसे किसी और आप अपने मुल्क में जिस तरह से हों। और मेरी और प्रेसिडेंट शी से जितनी मुलाकात हुई हैं और जितना इंटरेक्शन हुआ है उसके अंदर आई फाइंड कि इट इज़ अ स्ट्रेंज बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, जो दुनिया अब फ्रेंडशिप को नहीं समझती। दुनिया इस ज़माने में सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट की बुनियाद पर दोस्तियाँ बनाती है, और जो हम ज़ाती तौर पर जानते हैं कि बहुत सेल्फिश लोग होते हैं जो सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से दोस्तियाँ बनाते हैं, मगर चाइना और पाकिस्तान की वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, कोऑपरेटिव इंटरेस्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी फ्रेंडशिप इज़ देयर, वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉलिसीज, वी हैव द सेम एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्ल्ड इशूज, एंड वी प्रोटेक्ट ईच अदर्स इंटरेस्ट एंड अदर डिप्राइव इंटरेस्ट ऑफ द डिप्राइव्ड पीपल, फॉर एग्जाम्पल ऑफ कश्मीर एंड सो ऑन। तो लिहाजा हमारी ये फ्रेंडशिप बहुत गहरी है। मैं जो आपकी ज़िम्मेदारी का जिक्र कर रहा था, और मैं जहाँ भी जाता हूँ इस बात का ज़रूर जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान का एक यूथ बल्ज है। अच्छा, यूथ बल्ज को, उस यूथ बल्ज के अंदर हर लेवल की सीढ़ी पर हमें इश्यूज हैं। एक ये है कि स्किल सेट, बिल्कुल अनपढ़ आदमी को थोड़े से स्किल सेट्स दिए जाएं ताकि वो अपनी रोज़ी को बेहतर कर सके। तो लिहाजा मैं चाहता ये हूँ कि इंडस्ट्री भी स्किल सेट इम्प्रूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करे, सिर्फ तमाशा ना देखे, सिर्फ एग्जिस्टिंग स्किल सेट को ऑन बोर्ड ना ले, बल्कि इसका एहतमाम करे कि स्किल सेट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, नॉट फॉर देमसेल्व्स आल्सो, फॉर द ब्रॉडर मार्केट, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू इन्वेस्ट बैक इनटू सोसाइटी। एक बात। दूसरा ये कि फिर उससे ज़्यादा बड़ा स्किल सेट फिर ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर लगाएं लोगों को, और फिर एजुकेटेड स्किल सेट के अंदर भी जो कसर मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि जिन यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी मुझ पर है, जिनका मैं पेट्रन हूँ या चांसलर हूँ, वहाँ पर मैंने ये देखा कि जो एक इंसान की कमज़ोरी ये है कि वो ये समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे मशवरे की ज़रूरत नहीं है, और मशवरा वो लेता भी आसानी से नहीं है। ये आप कभी ब्यूरोक्रेसी में भी देखेंगे, मगर हम सब के अंदर ये कमज़ोरी मौजूद है कि हमें मशवरे की ज़रूरत नहीं है। मगर तरक्की वो लोग, वो ख़ानदान और वो मुल्क करते हैं जो अक्वायर करते हैं कि स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा हो। सो पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों में इस पर बड़ी तवज्जो दी, यानी इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, लोहे के दाम उन्होंने अपनी मशीनरी बेच दी थी,
वो रिवाइव कर गई, तो ये बग़ैर मशवरे के नहीं हो सकता। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पॉलिसीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हमारा प्रोड्यूस है बैचलर्स या एसोसिएट डिग्रीज वाले, वो मार्केट में कम खपते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे आईटी में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ एक आइवरी टावर्स में तालीम दे रही हैं और मार्केट की ज़रूरियात तो बड़ी डायनेमिक अंदाज से बदलती हैं। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि ये इनका लिंक बने। तो आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, नॉट ओनली ऑन रिसर्च बट इन कोलैबोरेशन इन इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स वो करें। दिस इज़ अ स्पेशल एफर्ट विच हैज़ टू बी मेड, नॉट समथिंग जो मैं यहाँ पर तकरीर करके हवा के अंदर छोड़ दूँ, बल्कि आपकी जिम्मेदारी का तायुन करता हूँ कि दिस इज़ द लीस्ट ऑफ द सर्विसेज वी कैन डू टू ब्रिंग अदर पीपल्स ऑन द सेम लेवल, पहली बात। दूसरी बात ये कि औरतों की एम्प्लॉयमेंट और औरतों की इंक्लूजन बढ़ाएं। दिस इज़ अ पेट टॉपिक फ्रॉम माई वाइफ्स मैसेज, और मैं स्टेट बैंक को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने जितना एफर्ट किया है औरतों को डिजिटल इंक्लूजन में लाना, औरतों के बैंक अकाउंट्स खुलवाना, औरतों को लोन्स देना, तो लगता ऐसा है कि बैंक्स के पास चीज़ें ज़्यादा हैं और औरतें कम हैं। लिहाजा माशरे के अंदर मैं अलग कोशिश कर रहा हूँ, माशरे के अंदर उलमा के साथ मिलकर, मेरी एक बेसिक आर्गूमेंट है जिससे सारे रास्ते खुल जाते हैं। मैं कहता हूँ कि बीबी खतीजा वॉज अ बिजनेस वूमन, सो व्हाट स्टॉप्स पीपल वुमेन इन पाकिस्तान फ्रॉम गेटिंग इनटू एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेसेस। ऑफ कोर्स हमें आसानियाँ पैदा करनी चाहिए कि जब वो बच्चे पैदा हों और जब वो ज़रूरत पड़े तो हम उनको ब्रेक्स भी दें और फिर रीवेलकम करें। तो लिहाजा अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं दरख्वास्त करता हूँ, बड़े लोग यहाँ बैठे हैं जो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैम्बर में, FPCCI में भी कल परसों मैंने कहा कि जी इससे ज़्यादा प्रोटेक्टिव माहौल क्या होगा कि आप अपने घर की बच्चियों को अपने कारोबारों में लगाएं, बहुओं को लगाएं, बेटियों को लगाएं, इससे ज़्यादा प्रोटेक्टिव और सिक्योर माहौल क्या होगा कि यू कैन ब्रिंग अप एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन। तो ये मेरी और दरख्वास्त है, जिसके लिए एक यूथ बल्ज है ना, एक वुमेन बल्ज है कि अगर ये औरतें मेन स्ट्रीम में आ गईं तो पाकिस्तान के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, पाकिस्तान के इतने रास्ते खुलेंगे जिसके अंदर माहौल, मईशत बेहतर होगी, घराने बेहतर होंगे, एक स्टेबिलिटी आएगी, फ्रस्ट्रेशन विल लीड टू अ वायबल एंड अ वाइब्रेंट पीपल। और आखिरी बात, इसके साथ साथ आखिरी बात मैं कह दूं, जो मैंने आपको कुछ नसीहतें करनी है, क्योंकि जब बात आए माशाल्लाह आपकी तरक्की देखकर हम सब खुश होते हैं और आपकी तरक्की के साथ साथ पाकिस्तान के सारे पहिए चलते हैं, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री चलती हैं, उसके अंदर एक और डिप्राइव्ड सेक्टर है जो डिसेबल्ड का है, तो सम हाउ इंक्रीज योर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डिसेबल्ड। अगेन वेर एवर आई गो आई टेल देम कि इफ़ आई मेट यू नाउ maybe a year later you will be able to tell me what have you done personally yourself। ye again an example is sitting here, the governor of state bank, ki jab humne inse request ki itne organized andaaz se inhone is baat ka ye kaam kiya, 25,000 banking branches ke andar accessibility badhai aur mukhtalif andaaz se encouragement of disabled employment, of course loans to women and loans to disabled people wo apni jagah par hai। aur shayad aapko malum nahi दादा बाकर साहब, हमने, मेरी वाइफ ने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि शी वॉज़ गोइंग टू दुबई, तो वहाँ पर शी वॉज़ टॉकिंग अबाउट दिस एंड द पीपल देयर वर सो इम्प्रेस के पाकिस्तान ने डिसेबल्ड लोगों के लिए कितने रास्ते खोले। इट वॉज़ सरप्राइजिंग फॉर मी, वन शेखा फ्रॉम सम वन ऑफ द गल्फ कंट्रीज हु वर्क्स ऑन दिस वॉज वेरी इम्प्रेस कि उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स में, डिसेबल्ड में ख़ास तौर पर, इतना बड़ा काम कर रहा है। सो इफ़ यू डू गुड वर्क इट इज़ अप्रिशिएटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, नेकी अपनी जगह पर, यू वॉन्ट दीज पीपल टू बिकम पार्ट एंड प्रोडक्ट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द अर्निंग्स ऑफ सोसाइटी, नॉट एग्जैक्टली मे बी नॉट इक्वल टू यू बट दे हैव द पोटेंशियल टू बी इक्वल टू यू, क्योंकि तीन चार डिसेबिलिटीज ऐसी हैं जिसमें दिमाग, मिसाल के तौर पर अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है उसका दिमाग मेरा और आप जैसा तो है ही है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड है उसका दिमाग मेरा और आप जैसा है ही है, कोई फिजिकली इम्पेयर्ड है उसका भी दिमाग हमारा और आप जैसा तो है ही है। तो इनको मखसूस अंदाज से, इनको अर्निंग मेम्बर्स,
फंक्शनिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बनाना। कोई माशरा, चाइना ने पावर्टी रिडक्शन जो किया है वो अपनी हेल्थ सेक्टर के हवाले से किया है, अपने एजुकेशन सेक्टर के हवाले से किया है और डिप्राइव्ड लोगों को उठाया है। कोई माशरा, सवाए इसके कि कुछ ख़ानदान तरक्की कर जाए, मगर कोई माशरा एज अ होल तरक्की नहीं करता जब तक सब इस बात की जिम्मेदारी नहीं उठाएं कि हमने अपने घरों का माहौल भी इसी हवाले से चेंज करना है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ट्रिमेंडस कंग्रेचुलेशंस फॉर एन एक्सेलेंट वर्क हियर, establishing this factory, diversifying business, giving employment, showing by word of mouth to our Chinese possible other investors that we have done a fantastic job of cooperation and creating ease of business. Pakistan, Chin, dosti, zindabad. Pakistan, paindabad. Assalamu alaikum.